करते आज का जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी सिखाने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अब तक की सबसे ज्यादा गलत बोले जाने वाले इंग्लिश अब तक आप लोगों ने जो बोला है, आज मैं उसको इंप्रूव करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां गलतियां की हैं और कहां गलती करते हो और कहां गलती करोगे, मैं इसको इंप्रूव करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड हमारा एक्चुअली जैसे एक वर्ड हमारा है जैसे कट का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली आपके ज़हन में आ रहा है यार कट का मतलब काटना होता है, तो या राइट कट का मतलब काटना होता है क्या? और आपको आगे पता है जैसे बोलते फोन काटने को क्या बोलेंगे, बताइए फोन काटने को क्या बोलेंगे? फोन कट कर देना, फोन काट देना। टिकट काटने को क्या बोलेंगे? इसी तरह जैसे आप कहेंगे कि समय काटने को क्या बोलेंगे, इसी तरह जैसे कि बात काटने को क्या बोलेंगे, इसी तरह आप कहेंगे कि इसी तरह जैसे कि फसल काटने को क्या बोलेंगे, इसी तरह बाल काटने को क्या बोलेंगे, इसी तरह सब्जी काटने को क्या बोलेंगे। इस तरह से कई सारे वर्ड हैं काटने के लिए। मैं आपको काफ़ी सारे आपको 25-25 वर्ड सिखाने जा रहा हूँ काटने के लिए। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड कट का मतलब होता है, इसको डिटेल में समझेंगे, हर एक वर्ड को डिटेल समझेंगे। कट का मतलब होता है किसी चीज को काटना, किसी धार वाली चीज को काटना, जैसे छुरी चाकू से काटने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कट का इस्तेमाल करते हैं। बट एक्चुअली जब बात हम आती बारी आती है कि समय काटने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, समय काटते हैं तो समय काटने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पैन टाइम। क्या बोलते हैं? स्पैन टाइम का मतलब होगा समय काटना। या और इसी तरह जैसे कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोन काटना, फोन काटने को क्या बोलते हैं? फोन काटने के लिए आपके पास दो वर्ड है, एक वर्ड आपका हैंग अप द कॉल, क्या बोलना है? हैंग अप द कॉल, या बोल सकते हैं ड्रॉप द कॉल, क्या बोलना है? ड्रॉप द कॉल, इसका मतलब भी होगा फोन काटना। इसी तरह जैसे होता है टिकट काटना, क्या होता है? टिकट काटने को क्या बोलेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इशू अ टिकट, क्या बोलेंगे? इशू अ टिकट, इसका मतलब टिकट काटना। या जैसे एक नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा कि रसीद काटना, ठीक है ना? रसीद काटने के लिए भी क्या इस्तेमाल करें? इसके लिए भी इस्तेमाल हम लोग इशू अ रिसीट, क्या बोलेंगे? इशू अ रिसीट का मतलब होगा जो है रसीद काटना। या हम लोग बोलते हैं कि दांत से काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दांत से काटने के लिए या डंग मारने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाइट, क्या इस्तेमाल करते हैं? बाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी तरह जैसे होता है कि बात काटना, क्या होता है बच्चों? बात काटने को क्या बोलते हैं? बात काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरप्ट, क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? इंटरप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जेब काट लेना, जेब काटने को क्या बोलते हैं? जेब काटने को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं पिक द पॉकेट, क्या बोलते हैं? पिक द पॉकेट का मतलब होता है कि जेब काट लेना। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि मतलब कि आरी से काटना, क्या बोलते हैं? आरी से काटना, आरी से काटने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉ, क्या बोलते हैं? सॉ का मतलब होता है आरी काटना। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि बाल काटना, ठीक है ना? बाल काट दो, अब तक आप तो यही सुनते हुए आ रहे हो, बोलते हुए आ रहे कट द हेयर मतलब बाल काटना, बट एक्चुअली यहाँ पर बाल काटने के लिए इस्तेमाल आप करेंगे शेयर, क्या इस्तेमाल करेंगे? शेयर इस्तेमाल करेंगे। शेयर का मतलब होता है किसी काट कर अलग कर देना, ठीक है ना? तो बाल को काट कर अलग कर दिया जाता है, इसलिए वो शेयर इस्तेमाल हम पर करेंगे। इसी तरह जैसे फसल काटना, क्या होता है? फसल काटना, फसल काटने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं रीप, क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? रीप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह होता है किसी बोई हुई चीज़ को काटना, ठीक है ना? उसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्रॉप, क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रॉप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग कहते हैं कि टैक्स काट लेना, ठीक है? टैक्स काटने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं विथ होल्डिंग टैक्स, क्या बोलेंगे? विथ होल्डिंग टैक्स का मतलब होगा टैक्स काट लेना। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि काट कर अलग कर देना, यानी काट कर सेपरेट कर देना, इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिटैच, क्या इस्तेमाल करते हैं? डिटैच इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि चिमटी काटना है, इसके लिए भी आपके पास दो वर्ड है। चिमटी काटने के लिए इस्तेमाल आप करेंगे पिंच, क्या इस्तेमाल करें? पिंच इस्तेमाल करेंगे, या इस्तेमाल करेंगे आप निप, NIP निप, निप इस्तेमाल करें, ठीक है ना? इसी तरह जैसे हमारा होता है कि काट कर तहस नहस कर देना, इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं कटअप, क्या करते हैं? CUT काट, UPF कटअप का मतलब होता है काट कर तहस नहस कर देना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को जैसे काटते हैं यानी अलग देते हैं, उसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिस्कनेक्ट, क्या इस्तेमाल करते हैं? डिस्कनेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप वायर को काट देते हो तो डिस्कनेक्ट कर देते हो, ठीक है ना? इसी तरह जैसे आपका होता है कि पूरी जैसे कि बहुत ज्यादा कटौती कर लेना, क्या होता है? बहुत ज्यादा कटौती कर लेना, इसको बोलते हैं स्लैश, क्या बोलते हैं? स्लैश का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा कटौती कर लेना। और इसी तरह जैसे कि पैसे काट लेना, इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिडक्ट, डिडक्ट द मनी, क्या बोलेंगे? डिडक्ट द मनी का मतलब होगा कि पैसे काट लेना। इसी तरह हम लोग इस्तेमाल कर सब्जी काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली आप कट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्योंकि सब्जी को छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, इसलिए इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे चॉप, क्या बोलेंगे? चॉप द वेजिटेबल, चॉप द वेजिटेबल, इसका मतलब होगा सब्जी काटना। या इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि नामो निशान मिटा देना, यानी कह सकते हैं कि नामो निशान को काट देना, खत्म कर देना, इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैंसिल आउट, क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? कैंसिल आउट का मतलब होता है नामो निशान काट देना। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अपने कुछ एक वर्ड दो वर्ड सीखा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलता है।